हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग आई होप कि कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। और इससे अभी तो क्लास 11 न्यू है आप लोग, तो बिगिनिंग से जब चैप्टर्स पे आप लोग डेडिकेटेड रहेंगे तो आप लोग अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, चैप्टर्स पे कमांड बनते जाएगी। हम ऑर्गेनिक सेक्शन को पहले अटेंड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ऑर्गेनिक सेक्शन में नेमिंग स्टार्ट की है हम लोगों ने। नेमिंग में आप लोगों को प्रायोरिटी टेबल बता दी गई है एंड क्लासिफिकेशन बता दिए उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी कैसे जाती है वो चीज तो अब देखते हैं आगे को। इस वीडियो में बताते हैं आपको कि यूज कैसे करना है, इसका कैसे यूज होगा फंक्शनल ग्रुप्स का, या फिर IUPAC नेमिंग है क्या एक्चुअल में। 10th से आए हैं, थोड़ा बहुत तो उधर पता चल ही जाता आप लोगों को जो बेसिक रूल्स हैं इसके, बट स्टिल कुछ और देखते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप लोग जब केमिस्ट्री को पढ़ते जाएंगे आप लोग पता चलेगा कि IUPAC नेमिंग जो होती है इट इज नॉट ओनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तो क्लास 12th में आता एक चैप्टर है आप लोगों का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उनकी भी IUPAC नेमिंग होती है। इवन अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे आप लोग, जो 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनकी नेमिंग के लिए भी IUPAC के रूल्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले विदाउट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एक काम करते हैं जरा, चलो एक बार इसी को ले लेते हैं। 5 कार्बन एटम्स की चेन एंड यहां पे CH3 एक इधर लगा दीजिए, एक यहां पे। प्रैक्टिस करेंगे आप लोग भी, एग्जांपल अपने मन से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या है IUPAC के नॉर्म्स, जो साइड चेन है ये, लाइक इन दिस केस मिथाइल ग्रुप, दोनों यहां राइट साइड से भी मिथाइल है, इधर से भी मिथाइल है, जहां से क्लोज पड़ रहा है वहां से काउंटिंग करनी होती है हमें चेन में कार्बन एटम्स की। तो बोथ साइड से ये तो सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, देयरफॉर हम इधर साइड से कर सकते हैं काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5 सो जो मेन चेन, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आ रही है कार्बन एटम्स की, इट इज ऑफ 5 कार्बन एटम्स। तो इसका वर्ड रूट क्या हो गया, पेंट, पेरेंट एल्केन पेंटेन। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, आल्सो मिथाइल एट 4th कार्बन। तो सबसे पहले जो एल्काइल ग्रुप है इनके लिए प्रेफिक्स का यूज होता है 2,4 डाइमिथाइल। नाउ मेन चेन पेंटेन, NADG, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, 4th पोजीशन पर मिथाइल है, दैट्स व्हाई 2,4 अलग अलग नहीं लिखेंगे हम उसको, 2-methyl, 4-methyl ऐसे नहीं लिखेंगे, 2,4 सेम ग्रुप रिपीट हो रहा है तो उसके लिए डाई ट्राई का यूज करेंगे हम। तो मिथाइल मिथाइल, तो इट इज डाइमिथाइल, देन मेन चेन पेंटेन, दिस वे। अलग अलग टाइप की एग्जांपल बना लेता हूं आप लोगों के सामने यहीं पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। सपोज यहां पे CH3 लगा हुआ है एंड यहां पे C2H5 लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एच रिप्लेनिश कर दीजिए इसको, 2, 1, 1, 2, 3 तो यहां से भी थर्ड पोजीशन, राइट साइड से थर्ड पोजीशन है। ये हमारे एल्काइल ग्रुप है, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तो एल्काइल ग्रुप्स, इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स मल्टीपल, ये वैरायटी ऑफ एल्काइल ग्रुप्स क्या होगा कंपाउंड में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे हम इनके केस में।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, इथाइल ई, फिर मिथाइल या एम। तो ई जहां से क्लोजर होगा इथाइल ग्रुप, वहां से काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो व्हाट डू वी सी हियर? वी हैव इथाइल ग्रुप एट थर्ड कार्बन, मिथाइल एट फोर्थ कार्बन। तो पहले इनको लिख लिया जाए, 3 इथाइल 4 मिथाइल, फोर्थ पे मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन द मेन चेन? 6। तो पैरेंट एल्केन क्या होगा इसका? हेक्सेन। दिस इज हाउ वी शुड नेम सच कंपाउंड्स, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले ले रखे हैं जिसमें ओनली द एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट देयर, नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। थर्ड कुछ और देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, यहां पे CH3, एक और एग्जांपल इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, एक ही आ गया। तो ऐसे केसेस में हम क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को लेंगे जो फर्स्ट नॉर्म है IUPAC का। इनके लिए हाइड्रोजन ये रिप्लानिश कर रहे हैं, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3। सो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2 थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे मिथाइल, फोर्थ पे इथाइल। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से थर्ड पे इथाइल। ओके, मिथाइल मिथाइल आई है। तो लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड स्ट्रेट वन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दिस विल बी आवर लॉन्गेस्ट चेन, यहां से फोर्थ पे, यहां से थर्ड पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो बच गए आपके चेन में, दीज आर कॉल्ड द साइड चेन्स, और एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में है यहां पर, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बोलते हैं हम इनको। थर्ड पे मिथाइल है, फोर्थ पे मिथाइल है, फोर्थ पे इथाइल भी है। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई कम्स बिफोर एम, सो वी शुड राइट इथाइल फर्स्ट, 4 इथाइल 4 इथाइल। देन CH3 इज रिपीटिंग, 3, 4 डाइमिथाइल। Are you getting? 3, 4 dimethyl, 7 carbon atoms means heptane. ऐसे name करना है, तो compounds containing functional groups, 1, 2, 3 कितने भी ले लेंगे, तो हेडिंग में हम ओनली लिखेंगे क्या, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स लिख लेते हैं। 1, 2, 3 कैसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहां अलग अलग हेडिंग लिखने में रहेंगे? 1, 2 कार्बन एटम्स हो गए, लाइक Cl Cl H2 H2। सपोज Here Cl is repeating and main chain जो है यहां पर 1, 2 कार्बन एटम्स की है, तो फर्स्ट पे Cl, सेकंड पे Cl, what will you write? 1, 2, it's coming two times, so dichloro ethane, ये पेरेंट एल्केन हो गया इसका, इथेन। एग्जाम्पल नंबर 1, और देख लेते एग्जाम्पल 1, 2, आप लोगों को भी मेहनत करनी है। 1, 2, 3 यहां पर मैं लेना चाह रहा हूं Br, here Cl, इंफॉर्मेटिव एग्जांपल्स बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। 2, 1 यहां पे 3, फर्स्ट पे Cl है, सेकंड पे Br, प्रायोरिटी। अब यहां पर तो एक चीज है,
हेलोजन्स जब क्या होता है, अलग अलग हेलोजन है सेम कार्बन कंपाउंड में, तो रूल तो ये कहता है कि उनकी नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगी, इवन प्रायोरिटी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगी। अब यहां पर देखते हैं बीआर तो सेकंड पोजीशन पे है, लेफ्ट से भी सेकंड पे है, राइट से भी सेकंड पे है, लेकिन सीएल हमारा राइट पे है। अब जो प्रायर ग्रुप है उसको तो हम लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे, राइट से करेंगे, दैट्स नॉट गेटिंग अफेक्टेड। लेकिन सीएल जो लेस प्रायर है इन दिस केस, इसको भी प्रायोरिटी मिल जाएगी इफ वी बिगिन काउंटिंग फ्रॉम राइट एंड। तो ये भी ध्यान रखना है हमने। नेमिंग में तो ऐसे ही आएगा टू ब्रोमो, टू पर ब्रोमो, वन क्लोरो, वन क्लोरो, वन टू थ्री मींस प्रोपेन, ऐसे करेंगे इनकी नेमिंग। थर्ड और देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल, वन टू थ्री फोर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम आप लोग लिख पाओ। क्लास 11 में आ गए हैं, क्लास 11 वालों को ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग फुलेस्ट आनी चाहिए पूरी। OH यहां पे कुछ और ग्रुप लगा रहे हैं, ग्रुप भी लग जाएगा, अदरवाइज H ही रखो। यहां पर कर देते हैं ग्रुप कुछ CH3 वन टू थ्री फोर वन। यहां पर डबल बॉन्ड है और अल्कोहल है, अल्कोहल इज प्रायर। प्रायोरिटी अगर नहीं पढ़ रखी है आप लोग, हमारे प्रायोरिटी वाले वीडियो में जाइए, उसको अच्छे से देखिए कैसे प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप्स की। OH इज प्रायर टू डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली काउंटिंग यहां से करनी है, वन टू थ्री फोर, जहां से प्रायर ग्रुप क्लोज होगा वहां से काउंटिंग होगी। तो फोर कार्बन तो आ गए हमारे मेन चेन में, थर्ड पोजीशन पर CH3 है, राइट से बात कर रहे हैं हम, तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लिखेंगे, थर्ड पे नहीं है होने को। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन दिस केस इट इज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन, लेकिन पोजीशन की बात करोगे फ्रॉम राइट सो इट विल लाई एट सेकंड कार्बन। तो नेम बताएंगे आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स, थ्री मिथाइल, थर्ड पर मिथाइल है, फोर कार्बन मींस ब्यूट, ब्यूट टू पर ईन आ रहा है इसमें, ईन ई एन ई होता है, यहीं पर खत्म हो जाता तो ई एन ई पूरा लिखा जाता है, बट वी हैव OH ग्रुप ऑल्सो देयर फॉर विच द सफिक्स स्टार्ट्स विद अ वाउल, तो वन ऑल, दैट्स व्हाई इट्स ई, ई हैज बीन ओमिटेड। तो थ्री मिथाइल ब्यूट टू इन वन ऑल, ये आप लोगों का कंपाउंड बन गया। इस तरीके से नेमिंग करेंगे हम इनकी। अगर ये टफ हो गया एग्जांपल तो जरा इजी एग्जांपल ले लेता हूं, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन में ही ऐसा करते हैं, इसको ग्रुप चेंज कर देते हैं, NH2 एंड CL BR suppose, that's it, three, NH2 is amine group, amine। चलिए अभी तो ये है कि NH2OH type के जो groups हैं इनसे prior group नहीं लिया हमने, इनसे prior group ले लेंगे तो OH एंड NH2 का फिर हमें प्रेफिक्स यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ IUPAC। अभी तक इनके सफिक्स यूज हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर कार्बन की चेन बन रही है, इसमें सेकंड पोजीशन पर ब्रोमो एंड क्लोरो है, तो टू ब्रोमो टू क्लोरो फोर कार्बन मींस ब्यूटेन होता है, उसमें से ई हटा के एमाइन आता है, तो ब्यूटेनामीन, ब्यूटेनामीन ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। जो
जो एक बात कर रहा था मैं अभी आप लोगों से कि अगर ये OH और NH2 टाइप के ग्रुप या COaldehyde है, कीटोन है, इस तरीके के ग्रुप अगर इंफीरियर हो गए कंपाउंड में, उससे प्रायर ग्रुप कोई आ गया तो क्या करना चाहिए? लाइक दिस इज द कंपाउंड COOH, यहां पर लगा देते हैं OH, सिंगल एच हियर 3H, तो COH, एक बहुत बारीक चीज आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट चीज है, द फंक्शनल ग्रुप्स विच ऑलरेडी कंटेन अ कार्बन एटम इन दियर फंक्शनल फॉर्मूला, जैसे इस दिस के इन दिस केस यहां पर COOH है, उसमें कार्बन ऑलरेडी है, CN है, कार्बन ऑलरेडी है, CHO कार्बन उसके पास है, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रायर होगा COS, तो ऑब्वियसली इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, अगर CN CHO के केस में अगर C वाला ग्रुप प्रायर मोस्ट है कंपाउंड का, तो उसका कार्बन काउंट करना है हमने, लाइक इन दिस केस ये इसका फर्स्ट कार्बन होगा, सेकंड, थर्ड, सेकंड पोजीशन पर OH है और OH से प्रायर ग्रुप इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है COOH. So according to IUPAC, we will have to write the prefix for this OH group. What is the prefix of OH? If you have gone through our videos, you must have observed that there. 2-hydroxy. हम all नहीं लिखेंगे अब इसको. 2-hydroxy, 1-2-3, propane. ये तो carboxylic acid आ गया. This is the मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हो, मेन फंक्शनल ग्रुप COOH, तो 3 कार्बन के साथ व्हाट शुड इट बी, प्रोपेनोइक, ओइक एसिड होता है ना इसका सफिक्स, ध्यान है आप लोगों को, प्रोपेनोइक एसिड इस तरीके से बनेगा ये, तो 2-hydroxy प्रोपेनोइक एसिड, तो हर एक एग्जांपल अपने आप में डिफरेंट है, कैसे नेमिंग करनी है, यहां पर इंटेंशन ये रहा मेरा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, हर एक एग्जांपल से नई चीज मिले आप लोगों को, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो उसका फुल बेनिफिट लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेटेड रहिए, जो भी वीडियो जाएंगे आप लोगों को मिलते जाएंगी, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड गेन मैक्सिमम बेनिफिट।